मामला है जिसे आप लोग देख सकते हैं कि ये बिटिया हैं जो इसको लेकर के जा रही थी अपनी बाइक चलाते हुए अपनी स्कूटी पर। इनकी गर्दन बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू आप देख सकते हैं कि लगभग 30% हिस्सा गर्दन का क्षतिग्रस्त हुआ है, कटी है। और इस गर्दन को कटने से, जो मांझे से गर्दन कटी है, इससे इनकी जो सांस की नली है और भोजन की नली है, ये तमाम नलियां क्षतिग्रस्त हो गईं और खून बहुत सारा बह गया। तो जब ये लाई गई यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर, उस समय बहुत सारा खून इनका बह चुका था, सांस की नली में और फेफड़ों में ब्लड और भोजन के जो कंटेंट हैं वो जाने की वजह से चोकिंग की स्थिति थी। तो ऐसे में इनको बचाया गया है अथक प्रयासों से, जो कि टीम है पूरी, इसमें प्लास्टिक सर्जरी की टीम है, इसमें डॉक्टर अनीता सिंह जो हमारी ट्रॉमा सर्जरी की हैं उनकी अगुवाई में टीम है, और हमारी जो पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट का जो RICU है, आप लोग जानते हैं 5वें तल पर ट्रॉमा सेंटर में, उसकी पूरी टीम। तो इन सभी टीम ने मिलकर के इस बच्ची को जो रेस्क्यू किया है। तो इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए और ख़ास हो जाता है कि जो हादसे हो रहे हैं, चाहे पतंग के पीछे छतों पर दौड़ने से बच्चों को गिरने के हादसे हो रहे हों, और चाहे जो मांझा सड़कों पर या गलियों में उलझ जो पड़ा हुआ है पतंग कटने के बाद जो उलझा हुआ है, उसमें जो हमारे बच्चे हैं या एडल्ट हैं, वो सब लोग उसमें उलझ के गिर रहे हैं या फिर उनसे कट इंजरीज का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मौके पर मैं आप सभी को बधाई देते हुए यही कहूँगा कि आप सभी इस जागरूकता को ज़रूर लाएं कि जो निर्देश चाहे सुप्रीम कोर्ट के हैं चाहे सरकारों के हैं, वो एक इम्प्लीमेंटेशन कड़ाई से इसका अनुपालन हो। लगभग कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने रेस्क्यू करके बचाया? 4 मामले मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के आए हैं मेरे सामने, जो हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने रेस्क्यू किए हैं। और एक ये ताज़ा मामला इसी मौके पर है, जबकि पतंगबाजी का जो फेस्टिवल है अब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा आने वाले दिनों में। ये आंकड़े कब से कब तक के हैं जी, जो आपके पास केसेस हैं? ये पिछले साल में जो केसेज हैं उनका जिक्र मैंने आपको किया, जो पिछले उसमें हम लोगों को मिले। सर, ये हादसा कहाँ पे हुआ था और लगभग कितने टाइम तक ट्रीटमेंट चला? अब ये लोग बताएंगे आपको, ये बर्लिंगटन चौराहे पर ये हादसा हुआ है 25 दिसंबर को 3:30 बजे की ये बात है। और तब से ये, हालांकि रहने वाले बालागंज के हैं और वहाँ पे जा रही थी अपनी स्कूटी से, तो वहाँ पे उलझने से मांझे से ये थ्रू एंड थ्रू कट इंजरी जो गले की हुई है। पेशेंट की अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन इनकी ठीक है, और आज इनको 25 से ये थी ट्रीटमेंट में, वेंटिलेटर पे थी, आज इनकी वेंटिलेटर की नली निकाल दी गई है और अब हम लोग इनको छुट्टी की तैयारी कर रहे हैं, इनको छुट्टी दे सकेंगे। ठीक है जी।